दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने WhatsApp स्टेटस को हाइड करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से कर सकते हैं। फिर चाहे आप उसे एक पर्सन से हाइड करना चाहते हो या कुछ लोगों से हाइड करना चाहते हो या सभी लोगों से हाइड करना चाहते हो, इसकी पूरी डिटेल आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने WhatsApp स्टेटस को हाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी WhatsApp की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अब WhatsApp की एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको करना क्या दोस्तों, ऊपर की साइड आपको जो थ्री डॉट का ऑप्शन मिलता है आपको थ्री डॉट पे चले जाना। अब थ्री डॉट पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको छह ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आपको सबसे बॉटम पे जो सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलता है आपको सिंपली यहाँ पे सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे टैप करना है। अब जैसे आप सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का पेज देखने को मिलता है जिसमें कि आपको अकाउंट, प्राइवेसी, अवतार, चैट, नोटिफिकेशन वगैरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आपको चले जाना है यहाँ पे सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे, यानी कि प्राइवेसी पे। अब जैसे प्राइवेसी पे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहली सेटिंग आपको मिलती है लास्ट सीन एंड ऑनलाइन की। इसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे प्रोफाइल फोटो, इसके बाद आपको मिलता है अबाउट, और इसके बाद चौथे नंबर पे आप देख सकते हैं आपको स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अब आपको करना क्या दोस्तों कि यहाँ से आपको इसको ओपन करना है। अब ओपन करने के बाद यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके व्हाट्सएप स्टेटस को कौन देख सकता है और कौन नहीं देख सकता। बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे माई कॉन्टैक्ट्स पे होता है, तो इसका ही मतलब होता है कि जिन जिन लोगों के नंबर आपने अपने व्हाट्सएप में सेव करके रखे हुए हैं अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, सिर्फ वो लोग आपके व्हाट्सएप स्टेटस को यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ लोग उसमें से ना देख पाएँ तो उसके लिए आपको सेकंड वाले को सिलेक्ट करना होता है। अब सेकंड वाले को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप जिस जिसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे उसको आपका व्हाट्सएप स्टेटस शो नहीं होगा और बाकी लोग आपके व्हाट्सएप स्टेटस को देख पाएंगे। तो अगर किसी एक पर्सन से आप ऐड करना चाहते हैं तो आप उसके अकाउंट को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर मल्टीपल पर्सन से आप यहाँ पे इसको हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उन सभी के अकाउंट को सिलेक्ट कर लीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको राइट टिक का ऑप्शन मिलता है, इस पर टैप कीजिए। तो यहाँ पर आपकी सेटिंग हो चुकी है, जिन जिन कॉन्टैक्ट को हमने ऐसे सिलेक्ट किया है वो अब हमारे व्हाट्सएप स्टेटस को नहीं देख पाएंगे और बाकी सभी लोग देख पाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप जिन्हें चाहें उन्हें आपका व्हाट्सएप स्टेटस नजर आए और किसी और को नजर ना आए तो फिर आप तीसरे वाले ऑप्शन पे जाइए। अब यहाँ से आप जिस जिसको सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, जिस जिसको आप अपना व्हाट्सएप स्टेटस दिखाना चाहते हैं, अगर किसी एक पर्सन को दिखाना चाहते हैं तो उसका अकाउंट सिलेक्ट कर लीजिए, और अगर कुछ लोगों को दिखाना चाहते हैं बाकी सबसे हाइड रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप जिस जिसको सिलेक्ट कर लेंगे सिर्फ वही आपके व्हाट्सएप स्टेटस को देख पाएंगे और बाकी कोई भी पर्सन आपके व्हाट्सएप स्टेटस को नहीं देख पाएगा। इसके बाद यहाँ से आप इसको ओके कर दीजिए, तो यहाँ पे आपकी सेटिंग हो चुकी है। तो बस दोस्तों तीन ऑप्शन यहाँ पे होते हैं जिससे कि आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस को अपने अकॉर्डिंग किसी को भी दिखा सकते हैं और किसी से भी हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।